सर उसके इस बर्ताव से मैं काफ़ी डर गया था। फिर मैं उसे एक साइकेट्रिस्ट के पास लेके गया। वहाँ पता चला कि साक्षी डिप्रेशन का शिकार है। मुझे ये बात पता चलने में काफ़ी देर हो चुकी थी। अब साक्षी रोज़ एक नई कहानी बनाकर मुझसे सेक्स करवाती। आपके पास कंप्लेंट करवाने मुझे उसी ने भेजा था। अगर मैं ये नहीं करता कि तो वो या तो खुद की जान ले लेती या मुझे मार देती। इस कारण मैंने इस कहानी को चलने दिया। आपको पता है आपके घर में कितना समय बर्बाद हुआ है हमारा? जानता हूँ सर, पर सर मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। उसके लिए कुछ भी कर सकता हूँ। और सर उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूँगा सर।